अब हमने कहा यस था, तो अभी हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, और हमने एक वर्ड बोला था सूटेबल स्केल, सूटेबल स्केल पर जिसे हम मेजर कर सकते हैं। अब ये सूटेबल स्केल क्या बताया, जैसे आपने कहा कि 5 kg 5 किलो चीनी, तो ये 5 किलो क्या है, 5 इज मेजरमेंट, और केजी क्या है, केजी है एक्चुअली इसकी यूनिट, केजी इसकी यूनिट है। तो ये जो केजी यूनिट है, इस यूनिट का मतलब क्या है, ये कहाँ से आई, कि कहाँ से आई, और क्यों इसे हमने बनाना पड़ा, क्यों इसे लेना पड़ा, क्यों हमने इसे लेना पड़ा। एक बात सोचो आप, जब ये यूनिट नहीं थी तो कैसा होता था, कैसा होता होगा। मुझे खेत खरीदना था, ठीक है, बेचने वाले ने कहा जो जी खरीद दो, मैं बेच रहा हूँ। अच्छा, नापने के लिए कोई हमारे पास है नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कब की, मैं बात कर रहा हूँ 200 साल, 400, 200 साल भी नहीं, बल्कि कम से कम, कम से कम नहीं तो 1200 साल पहले की, ठीक है, अपने पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। तो बेचने वाले ने कहा आ जाओ भाई खरीद ले, मैंने चल बता क्या हिसाब से देगा, कहने लगा भाई कदम नाप लेंगे, कदम नाप ले कितना कदम है, कहने लगा 1 रुपया पर कदम है, 1 रुपया तो था नहीं उस जमाने में, कुछ और था, तो मैं फिलहाल रुपये ले लेता हूँ, 1 रुपया पर कदम है, नहीं 1 रुपये तो बहुत सस्ता पड़ेगा, 10 रुपये का दवा, ठीक है, अरे चल ना पे कितना बैठ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 कदम बैठ रहा, 10 कदम ये, और 5 कदम ये, 50 हो गए भाई, 50 रुपये, 500 रुपये ले ले। उसने कहा भाई रुक तो सही, उसने कदम नापे अपने, तो उसके तो 25 कदम आ रहे थे, क्यों, क्योंकि वो तो नापने के लिए छोटे छोटे से कदम रख के चलेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, छोटे छोटे कदम रखेगा, और मैं जब नापूंगा तो क्या करूंगा, मैं तो लपक लपक के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कोशिश करूंगा कि उड़ के पहुंच जाऊं, एक ही कदम में यहाँ से यहाँ उड़ के पहुंच जाऊं। मैंने कहा मैंने तो अपने कदम के हिसाब से रेट तय करें, उसने कहा मैं तो अपने कदम से नापे। आपने कभी एक वर्ड सुना हो, बलिश्त, बालिश्त भी बोलते हैं शायद, कभी सुना हो किसी ने, ये मेरी इस उंगली से लेकर के यहां तक का बीच का डिस्टेंस है, ये एक बालिश बोलते हैं सर, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक का, ये उंगली से लेकर के ये। तो मैं मास्टर जी के पास गया, टेलर मास्टर जी के पास, उसने मेरे कुर्ते की लंबाई नापी, 8 बालिश आ रही थी, मैंने भाई 8 8 बालिश है मेरी लंबाई रख दो। अब मास्टर जी थे छोटे से, उनकी बालिश थी बेचारों की इतनी सी थी, उन्होंने तो बना दिया 8 बालिश से, तुम पता क्या अगला, वो कुर्ते के बजाय वो तो मेरा अंगोछा बन गया, वो तो आ ही नहीं रहा मेरे पेट तक भी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना सब। ये यूनिट सबके लिए अलग अलग होगी, अगर मैं कहूँगा ये मेरी ये 1 बालिश है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरी तो है ही है, किसी के तो यहाँ इतनी भी हो सकती है, और किसी की इतनी भी हो सकती है, इससे भी ज्यादा भी हो सकती है, तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो क्या होता है, सारे साइंटिस्ट मिलकर बैठे, 1800 शायद 1856 या 57 की बात है, 1800 नहीं शायद 1840 की बात है, मुझे ईयर तो याद नहीं है, पेरिस में, पेरिस के पास एक छोटा सा जगह है सेवर्स, वहां सारे बैठते हैं हर साल। तो उन्होंने यूनिट बना लिया, क्या बना लिया, उन्होंने एक यूनिट बना लिया, हर चीज की यूनिट बना ली। अब मास की यूनिट कैसे बनाई, अब देखना ध्यान से जरा, मास की यूनिट कैसे बनाई, मास की यूनिट कैसे बनाई, हालांकि एक्चुअल प्रोसेस कुछ और था, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। लेंथ की यूनिट, चलो हम लेंथ की यूनिट देखते हैं क्या बनाई, लेंथ की यूनिट कितनी बनाई, 1 मीटर। अब कैसे बनाई 1 मीटर, कैसे बनाई, एक हॉल है वहां ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, हॉल है और यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है जी, यहाँ हॉल में सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे साइंटिस्ट हर देश के, ठीक है, मेजर कंट्रीज के, और मैं यहाँ बीच में बैठा था, यहाँ मैं बीच में बैठा था यहाँ। तो मुझे इन्होंने मेरे हाथ में एक रॉड दे दी, एक रॉड पकड़ा दी, ये रॉड स्पेशली बनी हुई थी, है आज भी है, ये रखी हुई है, किसकी चीज की रॉड है, ये रॉड है एक प्लेटिनम इरिडियम,
प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम ये मेटल है, दोनों को मिलाकर प्लेटिनम इरिडियम एक एलॉय बना लिया। क्यों बना लिया, प्लेटिनम और इरिडियम की ही क्यों लिया, इसकी अलग कहानी है। ठीक है, अब उन्होंने कहा भाई चलो भाई चलो मीटर बनाते हैं आज। मैंने चलो चलो ठीक है मीटर बनाते हैं आज, 1 मीटर लंबाई बनाते हैं आज। क्या कर रहा है, चल भाई चल यहाँ निशान लगा। मैंने लो जी लो लगा दिया निशान एक। कहने लगे अब दूसरा निशान लगाओ भाई इस पर। मैंने कहा बताओ कहाँ लगाऊँ, मैंने कहा यहाँ लगा दूँ। कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत पास हो गया, इतना सा थोड़ी ना देंगे, 1 मीटर दूर लगाओ, थोड़ा दूर ले यहाँ लगा, यहाँ लगा। भाई भाई भैया इतना लंबा थोड़ी होगा, 1 मीटर यहाँ तक थोड़ी ना गया, तो थोड़ा कम कर। मैंने कहा यहाँ लगा दूँ, और कम कर भी, और कम कर, यहाँ लगा दूँ भी। हाँ भाई ठीक है चल यहाँ लगा दो। कोई नाप नपत नहीं ली इसकी, कोई मेजरमेंट नहीं ली। सर्वमान्य, जिसे हम कहते हैं सर्वमान्य, एनोनिमसली, एनोनिमसली सबने 2 निशान लगा दिए इस प्लेटिनम इरिडियम की रॉड पर, और कहा कि बस आज जहां भी ये लग गया है, जितना भी ये फासला है इसके बीच में, बस आज के बाद हम इसे क्या कहेंगे, इसके बाद हम 1 मीटर कहेंगे इसे। पहली बार जब मीटर बना तो किसी चीज से नहीं मेजर करा, बस आज के बाद जब मेजर करेंगे 1 मीटर की लंबाई की जगह भाई इन दोनों निशान के बीच में 1 मीटर जितना भी डिस्टेंस आ गया, बस दिस इज 1 मीटर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंडिया के, फ्रांस के, यूके के, जर्मनी के, सबके सब साइंटिस्ट ने एक एक रॉड ली अपनी अपनी अपनी, और इनके निशान निशान मिला के लगा लिया, ले गए अपने देश और बता दिया लो जी लो 1 मीटर लेकर आए आज हम, आज के बाद 1 मीटर ये होगा पूरी दुनिया में। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर मुझे जमीन खरीदनी है, मुझे जमीन खरीदनी है 1000 स्क्वायर मीटर की जमीन खरीदनी है, तो फिर क्या होगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, जो मेरे लिए है लैंड वही बेचने वाले के लिए है। ऐसा तो नहीं, मैं तो खरीदने के लिए अगर मुझे कदम से नापनी पड़े, मैं तो उड़ उड़ के जाऊंगा लंबे लंबे कदम रख के, बेचने वाला छोटे छोटे कदम रख के जाएगा, उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, सारे कंफ्यूजन खत्म। 1 मीटर डिस्टेंस तय कर लिया कि आज के बाद ये जो प्लेटिनम इरिडियम रॉड के दोनों मार्क लगे हुए, निशान लगे हुए हैं, जैसे प्लेटिनम इरिडियम की रॉड थी ना, एक शार्प चीज लेकर के रेती, रेती समझते हो, रेती लेकर निशान लगा दिया, दूसरा निशान यहाँ लगा दिया, लो ये लो आज के बाद बस ये 1 मीटर हो गया। तो ये 1 मीटर क्या हो गई, ये वन मीटर आपका बन गया यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूनिट बन गई आज के बाद ये, कि बस जहां भी लग गए निशान ये, इसके बीच ये डिस्टेंस 1 मीटर कहा जाएगा, आज के बाद इसी से हमें नापना है। अगर कोई कहता है जी मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, दुकानदार से जाके आप कहते हैं 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो दुकानदार एक्चुअली क्या करेगा, वो जो वहाँ बायोसेवर्स वो सॉरी बायोसेवर्ट बोला, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में जो ये निशान लगा हुआ है, इस निशान के बीच जितनी भी लेंथ है उससे 5 गुनी दे देगा आपको, 5 मीटर कपड़ा मिल गया। और उसके उसे कैसे पता, उसके पास तो है ना मीटर नापने के लिए, वो उसी से मिलान करके बनाया गया जो वहां रखा हुआ है, बस उससे 5 गुना दे देगा मीजरमेंट। ये 5 टाइम्स क्या है, ये तो उससे कितने गुना है। आपने कहा भी आधा मीटर कपड़ा और दे दो, मुझे कम पड़ गया, मुझे थोड़ा सा इसमें कॉलर अलग से बनाने पड़ेंगे। उसने क्या करा कि 31 के बीच में जो लंबाई थी, डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस के बराबर कपड़ा और दे दिया, लो जी लो आधा मीटर कपड़ा, लाओ पैसे दो। तो ये हमने क्या बना ली, ये सबने मिलकर के यूनिट बना ली। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट होती है। अब ये तो मैंने आपको मीटर की कैसे बनाया ये बता दिया, अब हर यूनिट के पीछे ऐसी कहानी है, सारे सब एक साथ ही बना ली थी सारी यूनिट, 1840 की या 46 की ऐसी कुछ बात है, मुझे टाइम ईयर मुझे पक्के से याद नहीं है, वो सारी यूनिट एक साथ फंडामेंटल यूनिट सारी बना के चले थे वहीं से। तो इस तरह से हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए एक यूनिट होगी, हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए एक यूनिट होगी, जैसे कि मीटर यूनिट, मीटर क्या है, इट इज यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और इसी तरह से किलोग्राम क्या है, किलोग्राम क्या है, किलोग्राम है आपकी क्या, यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास, मास को मेजर करने की यूनिट है। इसी तरह जो आप लिखते हैं सेकंड, सेकंड, सेकंड क्या है, इट इज द यूनिट किसके लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट, जिसे हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, जिसे डिग्री सेल्सियस आप बोलते हैं। ये क्या है,
ये क्या है, ये आपकी यूनिट है, किसके लिए, यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर नापने की यूनिट है, सेल्सियस कह लो या फेरेनहाइट, फेरेनहाइट इसका दूसरा रूप है, सेल्सियस में से निकला है वो, सेल्सियस आपकी फंडामेंटल यूनिट हो गई। देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अपने आप में क्या है, टेम्परेचर अपने आप में है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को आप मास के टर्म में, लेंथ के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, टेम्परेचर को टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिग्री सेल्सियस क्या है, सॉरी डिग्री सेल्सियस क्या है, ये आपकी है, ये डिग्री सेल्सियस है क्या भला, डिग्री सेल्सियस है फंडामेंटल यूनिट या यूनिट ऑफ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट फंडामेंटल यूनिट हो गई आपकी, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस आपने बना ली यूनिट, तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गई। क्लियर है यहां तक की बात, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, बात इतनी समझ आ गई।